अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 14 है। ठीक है, कल के लेक्चर में हम क्लीन थ्योरम पार्ट 3 देख रहे थे। ठीक है, उसमें हमने यूनियन फाइंड किया था और कंकैटिनेशन फाइंड किया था। तो आज कुछ एग्जांपल्स हैं उसको देखेंगे, उसके बाद जो है हम मेथड 3 पे आएंगे, कोलेजर को फाइंड करेंगे कि अगर आप लोगों को एफ ए दिया हुआ हो तो उसका कोलेजर कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो ये टास्क है जो कि कल आप लोगों को मैंने असाइन किया था। ठीक है, आपने यूनियन फाइंड करना था और इसका कंकैटिनेशन फाइंड करना था। ठीक है, तो आपको एक एफ ए दिया हुआ है, दूसरा एफ ए दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इनका कंकैटिनेशन जो है यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, कंकैटिनेशन आपने फाइंड करना होगा। ठीक है, तो वही है कि यूनियन में हमने पढ़ा था कि जो एफ ए थ्री होगा उसकी जो इनिशियल जो स्टेट होगी, ठीक है, वो क्या होगी, बेसिकली एफ ए वन और एफ ए टू की जो इनिशियल स्टेट है वही एफ ए थ्री की क्या होगी, इनिशियल स्टेट होगी। ठीक है, और यूनियन में हमने ये पढ़ा था कि जो फाइनल स्टेट है एफ ए थ्री की, ठीक है, जो एफ ए वन और एफ ए टू की फाइनल स्टेट होगी वही हमारे पास जो है एफ ए थ्री की भी क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी। ठीक है, उसके बाद जो है कल हमने कंकैटिनेशन किया था। कंकैटिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास एफ ए थ्री है उसकी जो इनिशियल स्टेट है, ठीक है, जो एफ ए वन की इनिशियल स्टेट होगी वही हमारे पास जो है एफ ए थ्री की इनिशियल स्टेट होगी, और जो फाइनल स्टेट है एफ ए टू की वो फाइनल स्टेट जो है हमारे एफ ए थ्री की होगी। और कंकैटिनेशन में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम फर्स्ट एफ ए के फाइनल स्टेट पे आते हैं तो जैसे फाइनल स्टेट पे आते हैं वैसे ही हम दूसरे एफ ए की इनिशियल स्टेट पे होंगे। ठीक है, उसके जो लेबल है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो वही एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये यूनियन है, यूनियन आपने फाइंड किया हुआ है तो थोड़ा बहुत फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यूनियन आपने कैसे किया था कि एफ ए वन और एफ ए टू की जो फाइनल स्टेट थी, इनिशियल स्टेट थी, वही एफ ए थ्री की होगी। ठीक है, एक्स वन और वाई वन, ठीक है, ये क्या थी, इनिशियल स्टेट थी। तो आपने इसे किससे रिप्रेजेंट किया, जेड वन से। ठीक है, इनिशियल स्टेट से आपने रिप्रेजेंट कर दिया, इक्वल टू स्टेट कौन सी है, एक्स वन और वाई वन, आपने एज इट इज यहाँ पे उन स्टेट्स को लिख दिया। ठीक है, फिर आपने एक्स वन को एक्स वन से ए को रीड करते हुए आपने क्या करना है, आप एक्स वन से आपने क्या करना है, ए को रीड करना है, आप एक्स टू पे आ रहे हैं, आपने एक्स टू एज इट इज लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद वाई वन की बारी है, वाई वन से आपने क्या करना है, ए को रीड करना है। ठीक है, फिर आप कहाँ जा रहे हैं, वाई टू पे जा रहे हैं, इसको आपने जेड टू से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फिर इसी तरह आपने एक्स वन से बी को रीड किया तो आप एक्स टू पे चले गए। ठीक है, एक्स वन से बी को रीड किया, एक्स टू पे चले गए, और y1 से b को रीड किया, देन आप कहाँ आ रहे हैं, y1 से, इसको आपने z3 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और आपने यूनियन और जो कंकैटिनेशन है उसमें ये ख्याल करना है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी स्टेट्स, ठीक है, अगर जो है रिपीट हो रही है तो आपने न्यू लेबल से रिप्रेजेंट नहीं करना, नहीं तो आप इनफाइनाइट की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर सेम आ रहा हो तो आपने उसी जो लेबल आपने लिखा होगा सेम लेबल से आपने क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, उसके बाद अब किसकी बारी है, जेड टू की, जेड टू को आप लोग उठाएं। ठीक है, और यहाँ पे देखें आपके पास जो स्टेट्स हैं वो एक्स टू और वाई टू हैं, तो आपने एज इट इज आपने यहाँ पे देखना है कि इनमें से कोई फाइनल स्टेट तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम यूनियन को फाइंड कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, x2 तो नहीं है, y2 तो है हमारे पास फाइनल है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यूनियन में यहाँ पे फाइनल का जो सैंपल है वो आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फिर x2 से a को रीड करेंगे, x4 पे चले जाएंगे। ठीक है, y2 से फिर आप a रीड करेंगे, y1 पे आ जाएंगे, इसको आपने z4 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास, अच्छा एक और बात है, आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे जो टोटल स्टेट है आपने है कि वही टोटल स्टेट जो है हमारे पास एफ ए थ्री की होंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो स्टेट आप लोगों के पास डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो वो आप लोग पे यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरह आपने Z2 से B को रीड किया, X2 से B को रीड किया, X3 पे आ गए, Y2 से B को रीड किया, Z2 पे आ गए। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है, सब जो स्टेट्स हैं इनको रीड कर लेना है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इनका जो है FA3 जो है वो डेवलप कर लेना है, ठीक है। इसकी डिजाइनिंग आप लोगों पे डिपेंड करती है, ठीक है। आप कैसे लेबल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कोई Z1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, Z2 कोई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये डिजाइन आप लोगों पर डिपेंड होगा, बट ये जो स्टेट्स हैं वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। वो स्टेट सेम होनी चाहिए, बाकी जो ग्राफ है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों के पास एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को R1 दिया हुआ है और इसकी जो है एक FA दिया हुआ है, इसी तरह R2 है उसका एक FA दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपने क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। ये भी हमने कल किया था, ठीक है, कि हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट थी, ठीक है। तो ये हमने कल क्या किया था, कल इसको सॉल्व किया था, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है टास्क एक, हाँ ये है। अब इसका कंकैटिनेशन हमने फाइंड करना था, ठीक है। ये भी आप लोगों ने कल किया था, इसको फिर भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंकैटिनेशन में हमने पढ़ा था कि आप लोगों ने क्या करना है, इनिशियल स्टेट जो होगी आपके पास जो है FA1 की जो इनिशियल स्टेट होगी वो FA3 की इनिशियल स्टेट होगी, ठीक है। इसी तरह जो FA2 की फाइनल स्टेट होगी वो क्या होगी, FA3 की फाइनल स्टेट होगी, ठीक है। ये टास्क अभी नेक्स्ट आएगा, इसको देखते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, मेथड 3 को देखते हैं जो आज का टॉपिक है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, FA का कोलेजर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एक FA दिया होगा, आपने क्या करना है उसकी कॉपी बनानी है, और देन आपने क्या करना है जो है नेक्स्ट जो है FA डिवेल्प करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है क्लीन थ्योरम पार्ट 3, ठीक है। ये पार्ट 3 का मेथड 3 है, ठीक है। मेथड 1 क्या था, यूनियन, ठीक है। मेथड 2 क्या था, कि हमने कंकैटिनेशन फाइंड करना है 2 FA का, और जो मेथड 3 क्या है कि आपने FA का कोलेजर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है बिल्ड एन FA कोरिस्पॉन्डिंग टू आर स्टैक यूजिंग द FA कोरिस्पॉन्डिंग टू आर, ठीक है। इट इज टू बी नोटेड दैट इफ द गिवन FA ऑलरेडी एक्सेप्ट द लैंग्वेज एक्सप्रेस बाय द कोलेजर ऑफ सर्टेन RE, देन द गिवन FA इज रिक्वायर्ड FA, हाउ एवर द मेथड इन दिस इन द अदर केसेस कैन बी डिवेल्प कंसिडरिंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे आपको मजीद जो है उसकी डिटेल बता रहा है कि अब इसमें होगा क्या, ठीक है। यहाँ पे देखें, कोलेजर ऑफ FA इज सेम एज कंकैटिनेशन, ठीक है। जो कोलेजर है FA का, ठीक है, सेम है किसकी तरह, कंकैटिनेशन की तरह, ठीक है। कंकैटिनेशन ऑफ FA विद अदर्स, ठीक है, एक्सेप्ट दैट द इनिशियल स्टेट ऑफ द रिक्वायर्ड FA इज द फाइनल स्टेट एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि बाकी सेम प्रोसीजर हमारे पास जो है कंकैटिनेशन की तरह है। अब फर्क क्या है कि जो हमारे पास इनिशियल स्टेट है वही हमारी फाइनल स्टेट भी होगी, ठीक है। इनिशियल और फाइनल हमारे पास FA3 की क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। हेयर द इनिशियल स्टेट ऑफ द गिवन FA कोरिस्पॉन्डिंग टू द इनिशियल स्टेट ऑफ द रिक्वायर्ड FA एंड नॉन फाइनल स्टेट ऑफ द रिक्वायर्ड FA एज वेल, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, एक एग्जाम्पल है। आपको यहाँ पे R दिया हुआ है, ठीक है, और आपको FA दे दे तो ठीक है, ना दे तो आपको खुद डिवेल्प करना पड़ेगा। और अगर आपको कहता है कि आपने क्या करना है, इस FA का कोलेयर फाइंड करना है, ठीक है, इस FA का क्या करना है, कोलेयर फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, इस FA की कॉपी बना लेनी है, ठीक है। एक ये FA है वही सेम आपने 2 दफा लिख दिया, ठीक है। रूल जो है आपने जो कंकैटिनेशन किया था सेम होगा, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही होगी, ठीक है। फाइनल एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट FA3 की इनिशियल और फाइनल एक ही होगी। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कोलेयर ले रहे हैं, ठीक है। जब कोलेयर लेते हैं तो आपको पता है कि जब भी आप FA डिवेल्प करते हैं, ठीक है, हमने FA में देखा था कि अगर आप लोगों के पास लैम्डा आता है, ठीक है, अगर आप लोगों के पास लैम्डा आता है तो लैम्डा में आप लोग FA क्या करते हैं, FA में आप लोग इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही बना देते हैं। यहाँ पे वही कंसेप्ट है, ठीक है, कि अगर आप लोगों के पास कोई लैम्डा आ रहा है, ठीक है, तो FA में आप लोग क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल एक ही बना देते हैं। इसी तरह हमने TG में किया था कि अगर लैम्डा आ रहा है तो उसको रीड करते हुए हम नेक्स्ट स्टेट पे जा सकते हैं,
ठीक है। इसी तरह एनएफए में भी आपके पास जो है अगर लैम्डा आ जाता है तो वहां से आप लोग जो है लैम्डा को रीड करते हुए आप नेक्स्ट स्टेट पे चले जाते हैं। बट एफए में ऐसा नहीं है। एफए में जब आप लोगों के पास लैम्डा आता है तो इट्स मीन कि आप लोग क्या करते हैं, इनिशियल को फाइनल स्टेट बना देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जब क्लियर ले रहे हैं एफए का तो आप इनिशियल और फाइनल एक ही स्टेट बना देंगे। ठीक है, बाकी जो सेम रूल है वो कंकैटिनेशन की तरह होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, अब आप क्या कर रहे हैं, इनिशियल और फाइनल एक ही बना दी Z1। अब क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि FA1 की जो इनिशियल स्टेट होगी वही हमारे पास FA3 की इनिशियल स्टेट होगी। कंकैटिनेशन में हमने पढ़ा था, यहाँ पे वही रूल है। ठीक है, कि यहाँ पे X1, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, X1 से A को रीड करते हैं, X1 से A को रीड करते हैं तो आप कहाँ आ रहे हैं, X1 पे आ रहे हैं, इज इक्वल टू Z2। अच्छा, एक और फर्क है यहाँ पे। ठीक है, कंकैटिनेशन में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास जो है जो इनिशियल स्टेट थी अगर वो रिपीट होती थी तो हम वापस हम क्या करते थे, यहाँ पे Z1 से रिप्रेजेंट करते थे। बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है आप क्या करेंगे, Z2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो इनिशियल स्टेट अगर वही सेम आ रहा है आपके पास, जैसे कि इनिशियल स्टेट है Z1 इज इक्वल टू X1 है, अगर आपके पास वापस यही आ रहा है X1 इक्वल टू, ठीक है, X1 आ रहा है, तो देन आप लोग क्या करेंगे, इसको न्यू लेबल से रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि कंकैटिनेशन में ऐसा नहीं था। ठीक है, कंकैटिनेशन में क्या था कि अगर X1 आता था तो आप लोग क्या करते थे, Z1 से रिप्रेजेंट करते थे। बट क्लोयर में ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लोयर में एक तो ये है कि आप इनिशियल और फाइनल एक ही स्टेट लेंगे, दूसरा ये है कि अगर आप लोगों के पास जो इनिशियल स्टेट में जो स्टेट होगी, ठीक है, जो इन जो स्टेट का नाम होगा अगर वही दोबारा आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, उसको Z2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर फौरन बाद नहीं भी आता तो भी आप लोग क्या करेंगे, Z2 को रिजर्व कर लेंगे। ठीक है, अगर वो सेम दोबारा रिपीट होता है तो आप क्या करेंगे, Z2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसके बाद अगर X1 आता है तो तब आप लोग क्या करेंगे, तब Z2 से रिप्रेजेंट करेंगे, तब आपको जो नाम है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे Z1 से A को रीड किया, ठीक है, X1 से A को रीड किया, वापस X1 पे आ रहे हैं, आपने Z2 से रिप्रेजेंट कर दिया जबकि पहले क्या था, X1 था, ये आप लोग को लेयर में करेंगे। ठीक है, उसके बाद X1 से B को रीड करते हैं, ठीक है, X1 से B को रीड करते हैं तो कहाँ जाते हैं, X2 पे। अब जैसे ही X2 पे जाते हैं, हमने कल देखा था कि जैसे अगर हम FA1 की फाइनल स्टेट पे आते हैं तो फौरन हम लोग क्या होते हैं, ठीक है, FA2 की इनिशियल स्टेट पे होते हैं। तो हमने यही किया कि ठीक है, हमने X1 से B को रीड किया, X2 पे आए, तो फौरन जैसे X2 पे है तो हम दूसरे FA की इनिशियल स्टेट पे होंगे। हमने X1 लिख दिया और इसको रिप्रेजेंट कर दिया किससे, Z3 से। ठीक है, उसके बाद अब आप देखें Z2 इज इक्वल टू X1, हमारे पास Z2 है। अब X1 से A को रीड किया, आप वापस X1 पे आए, इज इक्वल टू, अब देखें अब आपने क्या किया, सेम से रिप्रेजेंट कर दिया। X1 आया तो आपने क्या किया, Z2 से रिप्रेजेंट कर दिया, Z1 से रिप्रेजेंट नहीं करना। ठीक है, अब उसके बाद X1 से B को रीड किया, वापस वहीं आ रहा है, आपने Z3 से रिप्रेजेंट कर दिया जैसा कि पहले था। अब Z3 पे आ जाए, ठीक है, Z3 में देखें X2 और Y1 है। X2 हमारे पास क्या थी, फाइनल स्टेट है। ठीक है, दूसरे FA की क्या है, हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे फाइनल स्टेट का जो, ठीक है, को आपने पुट कर दिया X2। अब X2 से अगर A को रीड करते हैं तो कहाँ आ रहे हैं, X2 से A को रीड कर रहे हैं, X1 पे आ रहे हैं। ठीक है, अब X1 से A को रीड करते हैं तो वापस X1 पे आ रहे हैं। ठीक है, X1 से A को रीड करते हैं तो कहाँ आ रहे हैं, वापस X1 में, तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, X2 से आपने पिक किया, इसको A रीड किया, A रीड करने किया तो आप कहाँ चले गए, X1 पे चले गए। ठीक है, X1 पे चले गए। ठीक है, अच्छा ये सॉरी, यहाँ से आपने रीड करना है। ठीक है, X2 से अगर A को रीड कर रहे हैं तो वापस कहाँ जा रहे हैं, X1 पे जा रहे हैं, X1 पे जा रहे हैं। ठीक है, फिर आप लोग X1 से, ठीक है, यहाँ पे देखें अब X1 से A को रीड कर रहे हैं, दोबारा X1 पे आ रहे हैं, तो आपको ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आप इनफाइनाइट की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो आपने X1 से रिप्रेजेंट कर दिया और वापस आपने Z2 से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर X2 से B को रीड किया तो आप X2 पे चले गए। ठीक है, X2 से B को रीड किया तो वापस आप X2 पे चले गए। जैसे X2 पे गए तो आपने क्या करना है, सेकेंड की जो इनिशियल है वो स्टेट आपने लिख देनी है। ठीक है, अब देखिए X1 से B को रीड किया, X1 से B को रीड किया, दोबारा जो है आप लोग क्या कर रहे हैं, X2 पे जा रहे हैं, तो ठीक है, आप वापस आप लोग क्या कर रहे हैं, वहीं आपने लिख दिया X2 को, आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम आ रहा है तो आपने क्या कर दिया, Z3 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी को फॉलो करते हुए आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, FA डेवलप कर देंगे। आपके पास जो Z1 था वहां पे इनिशियल और क्या थी, फाइनल एक ही थी। ठीक
ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, एक्स वन से जो है अगर आप ए को रीड करते हैं तो आप एक्स टू पे जा रहे हैं, ठीक है। एक्स वन से आप ए को रीड कर रहे हैं, एक्स टू पे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स वन से बी को रीड करते हैं, ठीक है, सॉरी जेड वन से बी को रीड करते हैं तो जेड थ्री पे जा रहे हैं, ठीक है। जेड वन से बी को रीड करते हैं तो कहाँ जा रहे हैं, जेड थ्री पे, जो कि फाइनल स्टेट है, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, जेड टू से ए को रीड किया, वापस जेड टू पे गए, ठीक है। जेड टू से ए को रीड किया, दोबारा जेड टू पे गए, ठीक है। जेड टू से बी को रीड किया, जेड थ्री पे चले गए। जेड टू से, ठीक है, बी को रीड किया, कहाँ चले गए, जेड थ्री पे चले गए, ठीक है। इसी तरह जेड थ्री से ए को रीड किया, जेड टू पे चले गए, ठीक है। जेड थ्री से ए को रीड किया, जेड टू पे चले गए, ठीक है। और इसी तरह जेड थ्री से बी को रीड किया, आप कहाँ चले गए, जेड थ्री पे चले गए, ठीक है। जेड थ्री से बी को रीड किया, जेड थ्री पे। तो इस तरह आपने क्या करना है, कोलेयर लेना है, ठीक है। दोबारा देख लें, अगर आप लोग कोलेयर फाइंड कर रहे हो, सेम एज कंकैटिनेशन है, ठीक है। बट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक एफ ए दिया होगा और आपको कहा जाएगा कि आपने इस एफ ए का कोलेयर लेना है। यहाँ पे आपको दो एफ ए नहीं होंगे, एक एफ ए होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस एफ ए का, एफ ए की एक कॉपी बना लेनी है, ठीक है। कॉपी बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है, एफ ए जो नेक्स्ट आप डिवेल्प करेंगे, एफ ए थ्री जो डिवेल्प करेंगे, वो इनिशियल और फाइनल उसकी एक ही स्टेट होगी, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के पास अगर, ठीक है, जो आप स्टेट ले रहे हैं जेड वन जैसा कि इक्वल टू एक्स वन है, तो अगर आपके पास एक्स वन कहीं भी आता है तो फर्स्ट टाइम आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसको जेड वन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जेड टू से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी सेम प्रोसीजर होगा जैसा कंकैटिनेशन में किया था, कि अगर आप एफ ए वन की फाइनल स्टेट पे होंगे तो फौरन आप लोग एफ ए टू की इनिशियल स्टेट पे होंगे, ठीक है। तो ये क्या था आप लोगों के पास, ठीक है, क्लियर, और कंकैटिनेशन में थोड़ा बहुत फर्क था, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है आप लोगों को दी हुई है, कि आर दिया हुआ है और आपको कहता है कि आपने क्या करना है, इसका कोलेयर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपने क्या किया, वही काम किया, आपने इनकी कॉपी बना ली, ठीक है। आपने क्या कर लिया, कॉपी बना ली। अब जब एफ ए थ्री डिवेल्प करेंगे तो जेड वन से रिप्रेजेंट कर दिया, इनिशियल और फाइनल आपके पास एक होगी, ठीक है। इनिशियल और फाइनल क्या होगी, आपके पास एक होगी, इज इक्वल टू वाई वन, ठीक है। आपने क्या करना है, y1 इनिशियल स्टेट जो फर्स्ट fa होगा उसकी इनिशियल स्टेट आप लोगों की, ठीक है, fa3 की इनिशियल स्टेट होगी, ठीक है। तो आपने y1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां पे देखें y1 से आप लोग a को रीड करते हैं, y1 से a को रीड करते हैं, कहां जा रहे हैं, y2 पे जा रहे हैं, ठीक है। y2 से आपने यहां पे z3 कर दिया, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोगों को फौरन बाद जो है सेम रिपीट नहीं होता, y1 जैसा कि रिपीट नहीं हो रहा अभी, ठीक है, तो आपने क्या करना है, Z2 को आपने क्लियर में रिजर्व कर लेना है, ठीक है, ताकि अगर कहीं Y1 आता है, ठीक है, और लाजमी आएगा, ये Y1 लाजमी आएगा, तो वहां पे आपने क्या करना है, Z2 से रिप्रेजेंट करना है। इसलिए हमने क्या कर लिया, Z2 को रिजर्व कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखें Y1 से A को रीड किया, Y2 पे चले गए, इसको आपने Z3 कर दिया। अब यहाँ पे देखें Y1 से आप लोग क्या कर रहे हैं, B को रीड कर रहे हैं, Y1 से B को रीड कर रहे हैं, दोबारा कहाँ जा रहे हैं, Y1 पे जा रहे हैं, ठीक है। दोबारा कहाँ जा रहे हैं, y1 पे। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, उसको z2 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ भी नहीं आता तो आप लोग क्या करेंगे, आप जो है z2 को रिजर्व कर लेंगे, ठीक है, कि अगर दोबारा सेम आता है ताकि आप लोग उसको z2 से रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने क्या किया, z2 से, अब z2 लिया, ठीक है। अब z2 से आप लोग क्या करते हैं, a को रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, z2 से आप लोग क्या कर रहे हैं, एक सॉरी z2 कह रहा हूँ, y1 से a को रीड करते हैं, y1 से a को रीड कर रहे हैं, y2 पे आ रहे हैं, फिर दोबारा सेम आ रहा है, आपने z3 कर दिया, ठीक है। y1 से b को रीड कर रहे हैं, ठीक है, y1 से b को रीड कर रहे हैं, y1 पे आ रहे हैं, दोबारा आपने क्या कर दिया, z2 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब z3 है, y2 से a को रीड कर रहे हैं, ठीक है, y2 से a को रीड कर रहे हैं, y3 पे जा रहे हैं। जैसे y3 पे आ रहे हैं तो फौरन आप लोग क्या होंगे, एफ ए टू की इनिशियल स्टेट पे भी होंगे, तो आपने y1 भी लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें y1 से a को रीड किया, y3 पे आए, जैसे फाइनल पे थे आपने क्या कर दिया, सेकेंड एफ ए की इनिशियल भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। इसको आपने क्या कर दिया, z4 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसी तरह आपने y2 से b को रीड किया, ठीक है, y2 से आपने क्या करना है, b को रीड करना है, B को रीड करते हुए वापस आप कहाँ जा रहे हैं, Y1 पे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने सेम Z2 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखें अब Z3 के बाद Z4 की बारी है, ठीक है। Z4 में Y1 और Y3 है, तो Y3 आपका फाइनल स्टेट है, सेकंड, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखें आप लोग Y3 से A को रीड करते हैं तो Y3 पे भी आ रहे हैं और Y1 पे भी आ रहे हैं, ठीक है, Y3 पे भी आ रहे हैं और Y1 पे भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने लिख दिया,
फिर उसके बाद वाई वन से ए को रीड करते हैं तो वाई टू पे जाते हैं, ठीक है, आपने ये लिख दिया और ये जेड फाइव आ गया। इसी तरह वाई थ्री से बी को रीड किया तो वाई थ्री पे आए, ठीक है, जैसे वाई थ्री पे आए तो आप लोग फॉरन सेकंड की इनिशियल स्टेट पे लिखेंगे, ये वही रिपीट हो रहा है तो आपने सेम जेड फोर से रिप्रेजेंट कर दिया, अब जेड फाइव पे आ गए, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या कर ली, तमाम ट्रांजिशन को कम्प्लीट कर लिया और देन आपने इसको फॉलो करते हुए आपने एफ ए बना देना है, ठीक है। इनिशियल और फाइनल आप लोगों की एक ही होगी, ठीक है, जेड वन इनिशियल भी है और फाइनल भी है, ठीक है। Z1 से A को रीड कर रहे हैं तो Z3 पे जा रहे थे, ठीक है। Z1 से B को रीड कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे, Z2 पे जा रहे थे, ठीक है। फिर इसी तरह Z2 से आप लोग, ठीक है, ये Z2 से A को रीड कर रहे हैं, Z3 पे जा रहे हैं, ठीक है। Z2 से A को रीड कर रहे हैं, यहाँ पे Z3 पे जा रहे हैं, और Z2 से B को रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं, Z2 पे वापस आ रहे हैं। तो इस तरह आपने क्या करना है, एक एफ ए डिवेल्प कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरह आप लोग क्या करेंगे, कोलाइजर को फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी एक एग्जांपल है, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग एफ ए एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग विद बी एज सेकंड लेटर, ठीक है, कि मतलब क्या है कि आपके पास वो लैंग्वेज एक्सेप्ट होनी चाहिए, पहले जो मर्जी हो बट सेकंड लेटर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को क्विज में भी दिया था, ठीक है, कि सेकंड लेटर बी था, ठीक है, तो वो आप लोग ने फाइंड करना था अगर आपने गौर से पढ़ा है उसको, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप लोगों का सेकंड लेटर बी होना चाहिए, पहले जो मर्जी हो, ए हो या बी हो, सेकंड लेटर आपका बी होना चाहिए, वहीं एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग स्टेट वगैरह कंप्लीट करेंगे अगर आप लोगों को दिया ना हो एफ ए, ठीक है, एफ ए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, तो इसको मजीद डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फिर आप लोग क्या करेंगे, कॉपी बना लेंगे, कॉपी बना के फिर आप लोग यहाँ पे देखेंगे इनिशियल और फाइनल आप लोगों की एक होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप लोग क्या करेंगे, वाई वन से ए को रेट करेंगे तो कहाँ जा रहे हैं, वाई टू पे जा रहे हैं, ठीक है, तो जेड टू, ठीक है, हाँ ठीक है, वाई टू पे जा रहे हैं। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, जेड टू से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, आई थिंक सो यहाँ पे जो है वापस जो है एक्स वन नहीं आ रहा, ठीक है, तो ठीक है जेड थ्री होना चाहिए था, ठीक है, वो नहीं आ रहा मेरा ख्याल है, ठीक है, नहीं आ रहा तो आपने क्या कर दिया, इसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। वापस वाई वन से बी को रीड कर रहे हैं तो यहाँ वाई टू पे आ गए, ठीक है, बी को रीड किया, वाई टू पे आ गए, तो आपने जेड टू से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, जेड टू लिया, ठीक है, वाई टू से ए को रीड कर रहे हैं, वाई फोर पे आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह वाई टू से बी को रीड कर रहे हैं, वाई थ्री पे आ रहे हैं, ठीक है, वाई टू से बी को रीड कर रहे हैं, वाई थ्री पे आ रहे हैं। जैसे आप फाइनल स्टेट पे आएंगे तो सेकंड एफ ए की जो है इनिशियल स्टेट पे भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, आप लोगों ने बी को रीड किया, वाई थ्री पे गया, जैसे फाइनल स्टेट पे आया तो आपने क्या कर दिया, वाई वन भी लिख दिया, तो इसको आपने क्या कर दिया, जेड फोर से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर जेड थ्री ले लिया, इसी तरह आपने क्या कर लिया, तमाम को सॉल्व कर लेना है, ठीक है, और देन आप लोग क्या करेंगे, इसको डेवलप कर लेंगे, ठीक है। तो यहां तक कोई मसला है तो पूछ लें। चलें, अब जो हमारे पास जो लेक्चर नंबर 15 है, यहां पे भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे पास क्लीन कोलाइजर की होंगी, कि आपने जो है एफए का अगर कोलाइजर फाइंड करना है तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो सर शेयरिंग खत्म हो गई है, एक मिनट मैं दोबारा कर देता हूँ। अब देखिए हो रहा है, जी सर हो रहा है, यस सर हो रहा है, चलें। अब जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 15 है, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं कोलाइजर्स की, और देन हम एनएफए को जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वही टास्क दे रहे हैं जो कि आप लोग कल सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, कि अगर आपने दो एफए का जो है अगर कंकैटिनेशन फाइंड करना है तो वो कैसे हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं, ठीक है, आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो है इनिशियल स्टेट जो होगी एफ ए थ्री की, ठीक है, वो एफ ए वन की जो इनिशियल स्टेट होगी वही होगी, ठीक है, और जो फाइनल स्टेट एफ ए टू की होगी वही फाइनल होगी, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इसको आई थिंक सो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। चलें, अब आपके पास ये टास्क है, अभी आप लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एन एफ ए, ठीक है, नॉन डिटर्मिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा।
अब इसमें बेसिकली एफए और एनएफए में फर्क क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि जो एफए होता है, ठीक है, जो डीएफए होता है, बेसिकली उसमें हम जो एप्सिलॉन है उसको रीड नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि अगर हम एफए की बात करें तो यहाँ पे हम लोग एनएफए की बात करें तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन को रीड करते हुए हम नेक्स्ट स्टेट पे जा सकते हैं, ठीक है। डीएफए में क्या था कि अगर एप्सिलॉन आता था तो हम जो है इनिशियल को फाइनल बना लेते थे, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर एप्सिलॉन आता है तो आप उसको रीड करते हुए आप नेक्स्ट स्टेट मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बता रहा है कि एनएफए इज टीजी, ठीक है। एनएफए हमारा क्या है, टीजी है, ठीक है, विद यूनिक स्टार्ट स्टेट एंड प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग सिंगल लेटर एज लेबल ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। अब टीजी में हमने देखा था कि टीजी में अगर हमारे पास नल आता था तो हम उसको रीड करते हुए नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर सकते थे, ठीक है। बट वहां पे जो हमारे पास इनपुट लेबल हुआ करते थे वो क्या थे कि हमारे पास सब स्ट्रिंग्स थी, जबकि हमारे पास एनएफए में क्या है कि एनएफए में हमारे पास जो इनपुट लेबल होगा वो क्या होगा, सिंगल लेटर होगा, ठीक है। टीजी में क्या था कि आपके पास सब स्ट्रिंग्स थी, एनएफए में क्या है कि सिंगल लेटर है, ये फर्क है, बाकी सेम है, ठीक है। टीजी में भी हम एप्सिलॉन को रीड करते हुए नेक्स्ट स्टेट पे जा सकते थे, और यहाँ पे भी एनएफए में भी हम क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन को रीड करते हुए नेक्स्ट स्टेट पे जा सकते हैं। टीजी में भी हमारे पास एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट हो सकती थी, जबकि हमारे पास एनएफए में भी क्या है, एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट हो सकती हैं, जबकि डीएफए में क्या था कि हमारे पास इनिशियल स्टेट एक ही होती थी, बट हमारे पास जो फाइनल स्टेट है वो एक से ज्यादा हो सकती हैं। बट यहाँ पे क्या है कि इनिशियल स्टेट एक से ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है फाइनल स्टेट एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, या नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो नेक्स्ट बता रहा है, एनएफए इज अ कलेक्शन ऑफ थ्री थिंग्स, ठीक है, फाइनाइट मैनी स्टेट विद वन इनिशियल एंड सम फाइनल स्टेट, ठीक है, फाइनाइट मैनी स्टेट्स, ठीक है, विद वन इनिशियल एंड सम फाइनल स्टेट, ठीक है, कि सम कोई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, एक से ज्यादा इनिशियल भी हो सकती हैं, ठीक है। फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट होंगे, ठीक है, उसके बाद बता रहा है कि फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस होंगी, शोइंग वेयर टू मूव इफ द लेटर इज द इनपुट एट सर्टेन स्टेट, देयर मे बी मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर सर्टेन स्टेट एंड देयर मे बी नॉट एनी ट्रांजिशन फॉर सर्टेन लेटर। अब डीएफए में क्या था कि डीएफए में हम एक ही स्टेट थी, उससे हम सिंगल ट्रांजिशन को रीड कर सकते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक स्टेट थी, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, यहाँ पे अगर हम लोग ए को रीड करते हुए नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है, ए को रीड करते हुए नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं, तो दोबारा हम ए को रीड नहीं कर सकते थे, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काफी सारी जो है ट्रांजिशन हो सकती हैं, ठीक है, जैसा कि टीजी में था, ठीक है, वही बात बता रहा है, देयर मे बी मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर सर्टेन लेटर, ठीक है, एक स्पेसिफिक लेटर के लिए एक से ज्यादा ट्रांजिशन हो सकती हैं, जबकि एफए में ऐसा नहीं था, ठीक है, देयर मे बी नो एनी ट्रांजिशन फॉर सर्टेन लेटर, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती, यहाँ पे वही बात बता रहा है, ठीक है। अब इनका डिफरेंस क्या है डीएफए और एनएफए का, ठीक है, डीएफए स्टैंड फॉर डिटर्मिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और ये नॉन डिटर्मिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, ठीक है। ये डिटर्मिस्टिक क्यों है कि यहाँ पे हम एप्सिलॉन को रीड नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे हम जो है एप्सिलॉन को रीड करते हुए नेक्स्ट स्टेट पे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफिक इनपुट लेटर के लिए जस्ट एक दफा ही हम उस ट्रांजिशन को रीड कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे स्पेसिफिक लेटर को हम जो है रीड करते हुए, ठीक है, काफी दफा रीड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर ईच सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फाबेट देयर इज ओनली वन स्टेट ट्रांजिशन इन द डीएफए, ठीक है, वही बात बता रहे, नो नीड टू स्पेसिफाई हाउ डज एनएफए रिएक्ट अकॉर्डिंग टू सम सैंपल, ठीक है। डीएफए कैन नॉट यूज एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन, ठीक है, तो वही बात है, एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन का मतलब है एप्सिलॉन, ठीक है, डीएफए को हम एप्सिलॉन को रीड नहीं कर सकते। एनएफए कैन यूज एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन, ठीक है, डीएफए कैन बी अंडरस्टूड एज वन मशीन,
ठीक है, यहाँ पे एक ही मशीन होगी, जबकि NFA कैन बी अंडरस्टूड एज मल्टीपल लिटल मशीन कंप्यूटिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, कि वही बात है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा हम इनिशियल को बना सकते हैं, ठीक है, और जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या होंगी, एक ही इनिशियल होगी। ठीक है, जब एक से ज्यादा इनिशियल होंगी तो इट्स मीन कि वो हमारे पास क्या होंगी, मल्टीपल लिटल मशीन कहलाएंगी। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टेट टू अ सिंगल पार्टिकुलर नेक्स्ट स्टेट फॉर ईच इनपुट सैंपल, ठीक है, इज कॉल्ड डिटरमिनिस्टिक। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है, द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट कैन बी यूज मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट, ठीक है, फॉर ईच इनपुट सैंपल, हेंस इट इज नॉट डिटरमिनिस्टिक। ठीक है, यहाँ पे बताने का मतलब यही है कि वहीं के अगर हम सेम इनपुट लेबल को हम कई दफा रीड कर सकते हैं NFA में, जबकि यहाँ पे एक ही दफा हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, DFA इज मोर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, NFA इज इजियर टू कंस्ट्रक्ट। एक और बात, यहाँ पे हम जब DFA बनाते हैं तो DFA में हमें ये चीज का ख्याल करना पड़ता है कि हमने हर स्टेट से दो ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, हर स्टेट से दो ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना होता है, अगर ऐसा नहीं करते तो वो हमारे पास DFA हमारा गलत कंसिडर होता है, जबकि NFA में ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसा कि TG में था, TG में भी हम लोग क्या करते थे, अपनी जो ट्रांजिशंस थी उसको हम कंप्लीट नहीं करते थे। ठीक है, यहाँ पे NFA भी वही होगा, इसलिए ये कह रहा है कि इजियर टू कंस्ट्रक्ट और इट इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है, बैक ट्रैकिंग इज अलाउ इन DFA, जबकि यहाँ पे बैक ट्रैकिंग इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ठीक है, ऑल DFA आर NFA, हमारे पास जो DFA हैं वो NFA हो सकते हैं, बट हमारे पास जो NFA हैं वो DFA नहीं हो सकते। ठीक है, DFA NFA कैसे हो सकते हैं, ठीक है, और NFA DFA क्यों नहीं हो सकते। अब NFA में बेसिकली हम जो एप्सिलॉन है उसको रीड कर रहे होते हैं, ठीक है, जबकि हम DFA में एप्सिलॉन को रीड नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे पास जो NFA है वो DFA नहीं हो सकता, जबकि DFA हमारा NFA हो सकता है। ठीक है, बाद में हम ये देखेंगे कि NFA को DFA में कैसे कन्वर्ट करना है, DFA को NFA में कैसे कन्वर्ट करना है, ये अभी हमारे पास आएगा। ठीक है, DFA require more space, ठीक है, इसमें स्पेस ज्यादा कंज्यूम होती है, जबकि यहाँ पे लेस स्पेस कंज्यूम होती है। ठीक है, जब आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस में जाएंगे तो वहां पे इसके डिफरेंट अल्गोरिथम होंगे। ठीक है, उन अल्गोरिथम को आप लोग रीड करेंगे, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे कि DFA कैसे वर्क कर रहा है, NFA कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, DFA को NFA में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ये प्रॉपर इनके अल्गोरिथम होंगे जो कि आप लोग कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में इसको डिटेल से रीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इट मे बी ऑब्जर्व फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ NFA, ठीक है, देयर दैट द स्ट्रिंग इज सपोज्ड टू बी एक्सेप्ट इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सक्सेसफुल पाथ अदरवाइज रिजेक्ट। ठीक है, इट इज टू बी नोटेड दैट NFA कैन बी कंसीडर्ड टू बी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन FA एंड TG। ठीक है, NFA जो है आप लोगों का इंटरमीडिएट जो है आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है बिटवीन FA एंड TG। ठीक है, हाँ, हमारा जो FA है वो NFA हो सकता है, बट NFA हमारा जो है वो FA नहीं हो सकता। FA को हम मोस्टली क्या कहते हैं, DFA कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है आप कह सकते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ NFA कैन बी फाउंड इन द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे हमारे पास इनपुट लेबल है A। ठीक है, A को रीड करते हुए हम यहाँ पे भी जा रहे हैं, A को रीड करते हुए हम यहाँ पे भी जा रहे हैं, A को रीड करते हुए हम यहाँ पे भी जा रहे हैं। ठीक है, देन बी को रीड करते हुए हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो इसका कहने का मकसद ये है कि हम सिंगल जो लेटर है उसको हम डिफरेंट वे से या मल्टीपल टाइम जो है हम रीड कर सकते हैं, जबकि DFA में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट इज टू बी नोटेड दैट द अबव NFA एक्सेप्ट द लैंग्वेज, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ A एंड AB। अब ये किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, A को भी एक्सेप्ट कर रहा है, AB को भी एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि A को भी एक्सेप्ट कर रहा है, बी AB को भी एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे A पे एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, देन यहाँ पे AB पे एक्सेप्ट हो रहा है, जबकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजिशंस हो सकती हैं सेम लेटर से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास जो है इनिशियल स्टेट है, A को रीड किया, डबल A को आप लोग रीड कर रहे हैं। ठीक है, A को रीड करते हुए फाइनल पे जा रहे हैं। ठीक है, जबकि अगर हम इसका DFA बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगी, ठीक है, कि हमारे पास डबल जो है A एक्सेप्ट होना चाहिए, उसके अलावा कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पहले जो मर्जी हो फिर डबल A आना चाहिए, बाद में जो मर्जी हो। ठीक है, अगर हम इसका जो है DFA बनाएं,
डीएफए अगर बनाते तो हम ये देखें यहाँ से एक यूनिट करते हुए यहाँ जा रहे हैं, एक यूनिट करते हुए फाइनल पे जा रहे हैं, यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लूप में हम ए को ना लिखते, अगर हम क्या करते हैं डीएफए बनाते, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं बी को लूप चलती, ठीक है, जबकि हमारे पास एनएफए में पॉसिबल है कि हम सिंगल लेटर को कई दफा रीड कर सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ए कॉमा बी यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर दिया, ए कॉमा बी यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी, ए प्लस बी का कोलेयर होगा, फिर डबल ए होगा, फिर ए प्लस बी का कोलेयर होगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एनएफए और डीएफए में थोड़ा बहुत फर्क है, और यहाँ पे हमें ट्रांजिशंस को कंप्लीट करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वही बात बता रहा है, इट इज टू बी नोटेड दैट एनएफए हेल्प टू इलिमिनेट अ लूप एट सर्टेन स्टेट, अगर हमारे पास कोई लूप चल रही है तो उसको हम इलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कन्वर्टिंग लूप इनटू सर्किट, हम लूप को सर्किट पे कन्वर्ट कर देंगे। सर्किट में हम बेसिकली कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम एक और स्टेट ले लेंगे, ठीक है, उससे हम लूप जो चल रही होगी उसको खत्म कर सकते हैं, वो कैसे होगा अभी समझ आ जाएगी, ठीक है। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एफ ए रिमेन नो लॉन्गर एफ ए, तो फिर हमारा जो एफ ए है वो जो है रिमेन नो लॉन्गर एफ ए, कि वो हमारा एफ ए नहीं रहेगा, एंड इज कन्वर्ट टू करस्पॉन्डिंग एन एफ ए, वो हमारे पास क्या होगा, एन एफ ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक, ठीक है, ये दिया हुआ है और यहाँ पे लूप चल रही है, सेवन पे लूप चल रही है। अब अभी हमने पढ़ा है कि अगर हम लूप को ख़त्म करना चाहें तो एन एफ ए पे हम लूप्स को ख़त्म कर सकते हैं, इसके लिए हम एक और स्ट्रेट ले लेंगे और देन हम ए को वहाँ पे मूव कर जाएंगे, दोबारा हमारे पास एक पूरा सर्किट क्रिएट कर देंगे, ठीक है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लूप जो है एंड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सेवन था, हमने एक और न्यू स्ट्रेट ले ली यहाँ पे, ठीक है, हम लूप को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, सेवन से ए यहाँ पे ले गए, फिर वापस ए को यहाँ पे, अब ये हमारे पास एक सर्किट क्रिएट हो गया है, जबकि जो लूप चल रही थी एक स्टेट पे वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब न्यू स्टेट से यहाँ पे सेवन से जो स्टेट जा रही थी, सेवन से अब देखें यहाँ पे हम एट पे भी जा रहे हैं, नाइन पे भी जा रहे हैं, टेन पे भी जा रहे हैं स्टेट पे, तो इसी तरह जब हम न्यू स्टेट लेंगे तो वहां पे भी इस तरह हम रीड कर सकते हैं, ठीक है, रीड करेंगे, अलेवन से एट पे भी जा रहे हैं, नाइन पे भी जा रहे हैं और टेन पे भी जा रहे हैं। तो इसके कहने का मकसद यही है कि अगर हमारे पास लूप हो और लूप को खत्म करना चाहें तो हम एन एफ ए में आके हम लोग क्या करते हैं, लूप को खत्म कर देते हैं, बट वो फिर हमारा एफ ए नहीं रहेगा, वो एन एफ ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कन्वर्टिंग एन एफ ए टू एन इक्विवेलेंट एन एफ ए, ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स होगी जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे बता रहे हैं, इट इज टू बी नोटेड दैट अकॉर्डिंग टू कलीन्स थ्योरम, इफ द एफ ए कैन एक्सेप्ट, ठीक है, इफ द लैंग्वेज कैन एक्सेप्टेड बाय एफ ए, कोई भी लैंग्वेज है अगर वो एफ ए को एक्सेप्ट करती है, देन देयर एग्जिस्ट अ टी जी एक्सेप्टिंग दैट लैंग्वेज, ठीक है। हमने पढ़ा था कि कोई भी लैंग्वेज है अगर वो एफ ए एक्सेप्ट कर रही है, एफ ए को एक्सेप्ट कर रही है, देन वो टी जी भी एग्जिस्ट करता होगा। हमने पढ़ा था कि हमारे पास एफ ए टी जी हो सकता है, बट टी जी एफ ए नहीं हो सकता, यहाँ पे वही एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है, यही बात बता रहा है। सिंस एन एन एफ ए इज टी जी एज वेल, ठीक है, एन एफ ए क्या हो सकता है, टी जी एज वेल, देयर फोर देयर एग्जिस्ट एन एन एफ ए एक्सेप्ट द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द गिवन एफ ए, ठीक है। इन दिस केस दीज एफ ए एंड एन एफ ए आर सेट टू बी इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ठीक है, कि अगर कोई भी लैंग्वेज है अगर उसको एफ ए भी एक्सेप्ट कर रहा है और उसको एन एफ ए भी एक्सेप्ट कर रहा है तो वो लैंग्वेज क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, ठीक है, देन वो लैंग्वेज क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, कंसीडर द एफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू, अब हम कहते हैं हमारे पास एंड में बी आना चाहिए, ठीक है, वो लैंग्वेज हमने बनानी है जिसमें एंड में बी आना चाहिए, पहले जो मर्जी हो। अब यहाँ पे देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, एफ ए डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने क्या किया, हमारा बी एक्सेप्ट होना चाहिए, बी को हमने रीड करते हुए फाइनल पे चले गए, ठीक है। उसके बाद हमारा पहले जो मर्जी हो, ठीक है, पहले जो मर्जी हो, हम यहाँ पे ए कॉमा बी नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि हम बी को ऑलरेडी रीड करके यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, एफ ए में, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद फिर बी जितने मर्जी आए आप यहाँ पे रीड करेंगे, अगर ए आता है तो वापस इनिशियल पे चले जाएंगे, ये हमारे पास एफ ए था। अगर हम इसी को कन्वर्ट करें एन एफ ए में, ठीक है, एन एफ ए में हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सेम लेटर को मल्टीपल टाइम रीड कर सकते हैं और यहाँ पे हमें स्टेट्स को कंप्लीट करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें ए प्लस बी का कोलेयर, उसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एन एफ ए में लूप चला दी, ठीक है, देन बी को रीड करते हुए आप फाइनल पे जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे अब हमें स्टेट्स को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम कह रहे थे कि ये स्पेस ज्यादा कंज्यूम करता है और ये स्पेस क्या करता है, कम कंज्यूम करता है, तो ये दोनों में क्या है, फर्क है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें एक और एफ ए है, यहाँ पे डबल ए को एक्सेप्ट करते हुए रीड करते हुए हमने क्या करना है, एक एफ ए बनाना है और एन एफ ए बनाना है,
ठीक है। यहाँ पे देखिए डबल ए को रीड कर रहे हैं, पहले ए को रीड किया यहाँ पे चले गए, फिर ए को रीड किया फाइनल पे चले गए, डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है, पहले जो मर्जी हो बाद में जो मर्जी हो, ठीक है। पहले हमारे पास क्या था, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी का क्लोयर, ए प्लस बी का क्लोयर, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, ठीक है, ए प्लस बी का क्लोयर, और यहाँ पे क्या था हमारे पास डबल ए, ठीक है, जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे भी क्या होगा, ए प्लस बी का क्लोयर, ठीक है, ये हमारे पास ये है, ठीक है। अब आपने डबल ए को रीड करना, ए को रीड किया, दोबारा ए को रीड किया, डबल ए आपका को रीड करते हुए फाइनल पे चले गए। अब आपने इनको कंप्लीट करना है, ठीक है, यहाँ पे ए को रीड करते हुए हम ऑलरेडी जा रहे हैं, तो यहाँ पे एफ ए में हम क्या करेंगे, बी की लूप चला देंगे, ठीक है, इस क्लोयर की, फिर यहाँ पे फिर ए है बी है वो, ठीक है, यहीं पे खड़ा रहेगा, ठीक है। अगर वन से आपके पास ये आता है तो आप इनिशियल पे चले जाएंगे, आपने स्टेट्स को कंप्लीट करना था। अगर इसी का अगर हम लोग बनाते हैं एन एफ ए, देखिए यहाँ पे सिंपल है, ठीक है, ए प्लस बी की लूप जो है क्लियर है, उसके लिए एक लूप चला दी, फिर ए को रीड करते हुए यहाँ पे जा रहे हैं, फिर ए को रीड करते हुए फाइनल पे जा रहे हैं, फिर ए प्लस बी का आपने क्या कर दी, लूप चला दी। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, एनएफए डेवलप कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको स्टेट्स को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोग एप्सिलॉन को रीड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है आप सेम इनपुट लेटर है उसको मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हैं, एनएफए में आप लोग क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक टास्क है कि आपको एक जो है एफए दिया हुआ है, और आपने क्या करना है, इसको एनएफए में कन्वर्ट करना है, ठीक है, आपने क्या करना है, एनएफए में कन्वर्ट करना है। अब इसमें क्या है कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी बनती है, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है कि आपके पास तीन बी और तीन ए एक्सेप्ट होने चाहिए, ठीक है, पहले जो मर्जी हो, ठीक है, बट तीन ए हो, तीन बी हो, और फिर जो मर्जी हो वो आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसको अभी एनएफए में आप लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, अभी इसको बैठ के एनएफए में कन्वर्ट करें, ठीक है। अब वो कैसे होगा फिर मैं आप लोगों को इसका जो सोल्यूशन है वो भी मैं दे देता हूँ, ठीक है।